नमस्कार, आज के नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर व नागपुर मंडलों के द्वारा 5-5 बुलेट मोटरसाइकिल से अपने अपने रेल मंडलों में रूट प्लान के अनुसार संपूर्ण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चयनित 75 रेलवे स्टेशनों में 1 जुलाई से 14 जुलाई तक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में रविवार सुबह 10:30 बजे 15 बुलेट मोटरसाइकिल का काफिला हुसैन सागर हैदराबाद के लिए महाप्रबंधक आलोक कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली दिनांक 1 अगस्त को हुसैन सागर हैदराबाद पहुंचेगी और इसी दिन भारतीय रेलवे के सभी जोन की रैली एक साथ हुसैन सागर हैदराबाद एकत्रित होकर बुलेट रैली दिल्ली के लिए रवाना होगी। बुलेट मोटरसाइकिल रैली कार्यक्रम में अपर महाप्रबंधक प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त सहित सभी विभागाध्यक्ष एवं रेलवे अधिकारी तथा बड़ी संख्या में कर्मचारी गण उपस्थित थे। भोजपुरी विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक अजय पाठक ने कहा कि पूरे देश में भोजपुरी चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी भाषा के साथ साथ भोजपुरी समाज को एकत्रित करने के साथ संविधान की 8वीं सूची में भोजपुरी भाषा को स्थान दिलाने का संकल्प लिया जाएगा। इस देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक भोजपुरी भाषा को लेकर जो अनुचित दुर्व्यवहार भारत की सरकारों ने किया उस पर भी चर्चा होगी। भोजपुरी समाज बंधुओं के समाज के वरिष्ठों ने अपील की है कि वे अपने हक की लड़ाई संविधानिक मर्यादाओं और सीमाओं में रहकर लड़ेंगे। वर्तमान संसद सत्र जल्द प्रारंभ होगा। पाठक ने कहा कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जाकर सरकार से आग्रह करेगा कि भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करें। शामिल करके लगभग 30 करोड़ भोजपुरी बोलने वाले नागरिकों को गौरवान्वित करे, अन्यथा भोजपुरी विचार मंच संघर्ष का मार्ग अपनाकर भोजपुरी भाषा को उचित दर्जा दिलाने के लिए हक की लड़ाई लड़ेगा। वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर के शहर अध्यक्ष रवि शेंडे के जन्मदिन के अवसर पर उनके आनंद नगर सीताबर्डी नागपुर स्थित जनसंपर्क कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल दक्ष, विजय कुर्यवंशी, बाबूलाल साहू, यादव वाघ, सुभाष बडेल, प्रशांत धुपे, शेखर लसुनते, ब्रजेश मिश्रा, मुकुंद घरात, सुधाकर काले, उमेश चौहान आदि उपस्थित थे। पंखों में उड़ान है तो आकाश दूर नहीं, जीवन में श्रद्धा है तो भगवान दूर नहीं, यह उद्धार परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी के परम प्रिय शिष्य परम पूज्य मुनिश्री प्रशम सागर ने अपने उद्योधन में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मोठे मंदिर के इंद्र भवन में कहे, जिन्होंने आगे कहा, आचार्य समंत भद्र स्वामी एक महंत संत थे, शरणानुयोग, न्याय, आध्यात्म, भक्ति आदि विषयों में श्रेष्ठ थे। यदि आदमी ऊंचा चला जाता है, सफलता के चलते घमंडी हो जाता है और धरती को भूल जाता है तो ऐसे व्यक्ति को धरती पर गिरने में समय नहीं लगता। जब तक अकड़ है तब तक वह जीवन की परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो सकता। कर्मों ने तो तीर्थकरों को भी नहीं छोड़ा, तीर्थकर आदिनाथ को 7 माह आहार नहीं मिला, तीर्थकर पार्श्वनाथ को घोर उपसर्ग सहना पड़ा, काल दोष के कारण 2 चक्रवर्ती को नरक जाना पड़ा, समयकत्व का नाश किया तो रक्षक भक्षक बन गया, जहां हाथी प्रवेश नहीं कर सकता वहां चींटी प्रवेश कर लेती है, छोटे को कभी छोटा मत समझना, कब वह हमारे काम आएगा हम बता नहीं सकते, वैर वैर को बढ़ाता है, वह जीवन के किसी मोड़ पर तकलीफ देगा, यदि मोक्ष मार्ग को स्वीकार नहीं किया तो संसार में रहकर यहाँ के दुख भुगतने होंगे। अनातानुबंधी कषाय से संसार बढ़ता है, 8 ही कर्म में मोहनीय कर्म की स्थिति ज्यादा है। सिंधी समाज के श्रद्धा स्थान गांधी सागर स्थित झूलेलाल मंदिर में रविवार से 40 दिवसीय झूलेलाल चालिया आरंभ हुआ है। अहमदाबाद की जसगायिका कोमल दीदी महंत मोहनदास ठाकुर सिंधु झूलेलाल वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश जेसवानी ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव धार्मिक कार्यक्रमों का श्री गणेश किया। सतीश मिरानी से मिली जानकारी के अनुसार मंदिर परिसर में आज दिव्य सत्संग कीर्तन से
कोमल दीदी ने वरुण अवतार का गुणगान किया। महंत मोहनदास ठाकुर ने पल्लव व विश्व कल्याण की अरदास की। आरती, लंगर, प्रसाद से धार्मिक कार्यक्रमों को विराम दिया गया। स्मरणीय हो कि विगत दो वर्षों से कोरोना महामारी के चलते चालिया महोत्सव रद्द किया जाता रहा। 25 अगस्त तक चलने वाले इस वर्ष आयोजित महोत्सव में न केवल नगर बल्कि देश के अन्य शहरों के संत, महात्मा, प्रवचनकर्ता धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से भक्ति रस की सरिता का संचार कर भगवान झूलेलाल की आराधना करेंगे। आज व कल सुबह 7 बजे से 8 बजे तक एवं रात 8 बजे से 9:30 बजे तक विख्यात जस गायक कोमल दीदी का दिव्य सत्संग होगा। अध्यक्ष रमेश जेसवानी, सतीश मीरानी, हरिराम नागपाल, मेघराज मोनानी, प्रदीप जेसवानी, सुनील जग्यासी, कोडुमल धनराजानी, तुलसी हरियानी, नानक राम बलवानी, विकास सजनानी का आयोजनों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विधायक डॉक्टर नितिन राउत के आदेशानुसार एवं उत्तर नागपुर प्रभारी रत्नाकर जयपुरकर के मार्गदर्शन में बाढ़ग्रस्त सर्वे टीम के प्रमुख ब्लॉक 15 के अध्यक्ष मूलचंद्र मेहर, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के शहर उपाध्यक्ष शायदा खान, प्रभाग अध्यक्ष राजेश कोहाड़, विपुल मोहल्ले, दशरथ मालवी, मसूद पटेल, फिरोज शाह, रज्जब शेख, नाजिल शेख, शकील खान, बंटी माथोरकर ने ब्लॉक 15 के प्रभाग 4 बंजारा नगर, वनदेवी नगर, गुलशन नगर, ओम साई नगर, बेले नगर, कामना नगर, ताज कॉलोनी, पावन गांव, वाजपेयी नगर, कलमना बस्ती में जाकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया और जिन लोगों के घर में पानी घुसा है उन्हें विधायक डॉक्टर नितिन राउत की ओर से मदद दिलाने का आश्वासन दिया। विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने ओबीसी वर्ग के राजनीतिक आरक्षण को लेकर पूर्व मंत्री विजय वडेट्टीवार और छगन भुजबल को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि इन्हें तो कुछ बोलने का भी अधिकार नहीं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार ने अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में ओबीसी समुदाय के लिए कुछ किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि अब शिंदे फडणवीस सरकार ओबीसी आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है और सुप्रीम कोर्ट में 19 जुलाई को सुनवाई के दौरान अब सरकार अपना पक्ष वजनदारी से रखेगी। आशा व्यक्त की गई कि आगामी चुनाव में ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट लताड़ पर बांठिया आयोग का गठन महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया, लेकिन लिखित आदेश न होने के कारण इस संवेदनशील मुद्दे पर भी केवल टाइम पास होता रहा। दरअसल उनकी नियत ओबीसी सीटों पर अमीर लोगों को चुनाव लड़ाने की थी। बांठिया आयोग ने सारी कार्रवाई महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में किया, लेकिन शिंदे फडणवीस सरकार आने के बाद दूसरे दिन ही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। इसमें ओबीसी समुदाय के लिए 27% आरक्षण आवश्यक बताया गया है। अब भुजबल और वडेट्टीवार अपना मुंह बंद रखें, उन्हें इस सरकार पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में विद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र मिश्रा के मार्गदर्शन में विद्यालय प्रतिनिधि, विद्यालय उप प्रतिनिधि, खेल प्रतिनिधि, खेल उप प्रतिनिधि पद के लिए मतदान हुआ। छात्र चुनाव प्रक्रिया से अवगत होकर लोकतांत्रिक व्यवस्था अपना कर मतदान करने पहुँचे। इस प्रक्रियाओं में छात्रों ने चुनाव कर प्रचार कर चुनाव की शुरुआत की। प्रधानाचार्य राजेंद्र मिश्रा ने छात्रों को संविधान में मतदान के महत्व, मतदान कैसे करें और चुनाव कैसे कराए जाते हैं, इन विषयों के बारे में जानकारी दी। इस प्रकार छात्र परिषद चुनाव 2022-2023 बहुत ही शांतिपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। मतदान प्रक्रिया, छात्रों ने भी बड़े उत्साह पूर्वक नियमों का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया पूरी की। सभी छात्रों की दिलचस्पी अब मतगणना पर केंद्रित है। अध्यापिका मीना अजमेरा, स्मिता अटलकर ने स्कूल की इस मतदान प्रक्रिया में शांति बनाए रखने पर ध्यान दिया। साथ ही वंदना बारापात्रे, मंजुषा साटकर, सोनिया उबनारे ने चुनाव अधिकारी की भूमिका निभाई। अरविंद बाबू देशमुख प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख ने स्कूल के उपक्रम सराहना की। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में देश विदेश में से अधिक गायत्री संस्थानों में गुरु पूर्णिमा महापर्व श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में नगर के नंदनवन स्थित गायत्री शक्तिपीठ तथा लोखंडे नगर स्थित गायत्री मंदिर में 11 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में गायत्री परिवार के प्रमुख पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को आहुतियाँ एवं श्रद्धा सुमन अर्पित की गयी। इस अवसर पर गायत्री परिवार के मुख्यालय शांति कुंज हरिद्वार से इस पर्व का यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया।
अपने विशेष उद्योधन में गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रवन पांड्या ने कहा कि तप और ऊर्जा के सबल सद्गुरु ही अपने शिष्यों का कायाकल्प कर सकता है। गुरुदेव से दीक्षित होकर लाखों करोड़ों व्यक्तियों ने अपने जीवन में परिवर्तन पाया है। उन्होंने कहा कि जीवन की सार्थकता ज्ञान के अभाव में अधूरी है। ज्ञान की दो धाराएं प्रज्ञा एवं श्रद्धा से युक्त सद्गुरु की अपने शिष्यों के जीवन को सार्थक करता है। ज्ञानवान व श्रद्धावान व्यक्तियों को ही समाज अपना आदर्श मानता है और उनके बताए हुए कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा और प्रखरता एवं श्रद्धा से ओतप्रोत थे। यही कारण है कि लाखों करोड़ शिष्य उनके कार्यों को आगे बढ़ाने में एक साथ जुटे हुए हैं। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 27,000 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल 3,84,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया। मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 7 मामलों में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 9,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की अग्रणी व शीर्ष संस्था नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मिहाड़िया के नेतृत्व में व्यापारियों ने GST का पुतला जलाकर खाद्यान्न व कृषि उत्पादित वस्तुओं पर लगने वाली 5% GST का विरोध किया। NVCC अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मिहाड़िया ने कहा कि कैट द्वारा जीवनावश्यक एवं कृषि उत्पादित वस्तुओं पर लगने GST के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका समर्थन करते हुए NVCC द्वारा इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा GST टैक्स प्रणाली पर व्यापारियों का विरोध नहीं है, किंतु आज़ादी के पूर्व काल से आज तक खाद्यान्न सामग्री संबंधित वस्तुओं पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं था। कृषि क्षेत्र भारत सबसे बड़ा उद्योग है, किंतु अब सरकार ने उस क्षेत्र से संबंधित जीवनावश्यक वस्तुओं कृषि उत्पादित वस्तुओं पर टैक्स लगाकर आम जनता के मुख से निवाला छीनने की पूरी तैयारी कर ली है। यह निंदनीय है। चेंबर के पूर्व अध्यक्ष व कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया ने कहा कि पूरे देश में व्यापारियों में इस निर्णय को लेकर तीव्र असंतोष है। पहले ब्रांडेड अनाज उत्पादन करने वाली कंपनियां को बढ़ावा देकर सरकार को तसल्ली नहीं हुई, अब नॉन ब्रांडेड अनाज पर GST लगाना क्या अन्याय नहीं है? इस आशय के विचार गुस्साए व्यापारियों ने व्यक्त किए। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अनेक दिव्य आध्यात्मिक अनुभवों का आचमन कर उस पर वर्षों की मेहनत के बाद गुरु के प्रति अपार श्रद्धा, समर्पण और गुरु का शिष्य के प्रति अतीव प्रेम को दर्शाने वाली अद्भुत पुस्तक कृपे लाभले सद्गुरु चरण विमोचन किया गया। यह पुस्तक का विमोचन कर समाज के आध्यात्मिक लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सके, इसलिए बुक स्टॉल पर कॉपियां उपलब्ध कराई गई है। प्राजक्ता जोशी द्वारा गुरु पूर्णिमा के दिन उनके वर्षों की साधना और तपस्या के अनुभवों के पुष्प से सजाई गई पुस्तक का विमोचन किया गया। प्रताप नगर में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भक्तजन गुरु पूजन के लिए एकत्रित हुए और अति पवित्र वातावरण में गुरु पूजन किया गया। पुस्तक का विमोचन जयश्री तिवारी के हाथों किया गया। दादा अंधारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। विमोचित की गई असाधारण पुस्तक की निर्मिति व कथा आश्चर्यचकित कर देने वाली है। वर्षों पहले जोशी को अनेक आध्यात्मिक संकेत मिलने लगे थे। उन नई अनुभूतियों के चलते वे पहले परेशान होकर घबराने लगे। खुद को कोई संभ्रम तो नहीं, यही सोचते हुए नवनाथ ट्रस्ट के दादा अंधारे से वे मिली। दादा अंधारे ने उनका मार्गदर्शन किया। गुरु कृपा की अनुभूति का ही सत्य है विवरण इस पुस्तक में पिरोया गया है। गुरु पूर्णिमा से शुरू हुए त्योहारों के मौसम से फूलों की मांग बढ़ी है। सामान्य मौसम में जहां बाहर से 20 से 25 गाड़ियां और लोकल से 10 से 15 टन आने वाला माल घटकर अब 5 टन पर आ गया है। इसके चलते फूलों के भाव में काफी अधिक बढ़ोतरी हो गई है। कल तक थोक में 30 रुपए किलो बिकने वाले गेंदे का फूल रविवार को 50 से 60 रुपए किलो बिका। शुक्रवार को यह 150 रुपए तक गया था। जुई के फूल की कीमत 800 रुपए प्रति किलो पर पहुंची, जो पहले 400 रुपए प्रति किलो थी। वहीं मोगरे के मानो लुप्त से हो गए हैं। शुक्रवार को यह 600 रुपए प्रति किलो भाव से बिका। रविवार को यह 500 रुपए किलो बिका। 60 से 80 रुपए किलो बिकने वाला गुलाब भी 100 रुपए प्रति किलो पर बिका, जबकि डच गुलाब की कीमत 150 से 200 प्रति बंडल रही। इसके चलते व्यापारियों ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी।
जाति, निवासी, राष्ट्रपिता प्रमाण सहित अन्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए मुद्रांक शुल्क की जरूरत नहीं है, बावजूद इसके नागरिक स्टैम्प पेपर खरीद रहे हैं। जिलाधिकारी आर विमला ने सभी संबंधित विभागों और नागरिकों को यह ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 10वीं, 12वीं व अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट आने के बाद विद्यार्थियों को एफिडेविट आवश्यक प्रमाण पत्रों के लिए 100 रुपए के स्टैम्प पेपर लगाने का चलन नागरिकों में है, इसलिए या संबंधित सरकारी विभाग द्वारा एफिडेविट व अन्य प्रमाण पत्र 100 रुपए के स्टैम्प पर सादर करने की मांग की जा रही है। इसलिए नागरिक बिना कारण स्टैम्प खरीद रहे हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी प्रकार के जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र व सरकारी कार्यालय व न्यायालय में दाखिल किए जाने वाले अन्य सभी प्रकार के एफिडेविट यानी प्रतिज्ञा पत्र पर लगने वाला मुद्रांक शुल्क माफ कर दिया गया है, इसलिए नागरिक स्टैम्प की खरीदारी न करें। उन्होंने संबंधित विभागों की ओर से इस संदर्भ में जन जागृति करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों को इस संदर्भ में आदेश का पालन करने की सूचना दी है। उन्होंने विद्यार्थियों व नागरिकों से उपरोक्त कार्यों के लिए 100 रुपए के स्टैम्प की मांग नहीं करने का निर्देश सभी संबंधित विभागों को दिया है। श्री साई सेवा ट्रस्ट, श्री साई मंदिर, सूर्यनगर पार्डी नागपुर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत समापन दिवस कार्यक्रम में श्री साई पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। पालकी पूजन ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व विधायक गिरीश व्यास व डॉक्टर अंकुश वंजारी द्वारा किया गया, जिससे उपरांत पालकी नगर भ्रमण के लिए निकाली गई। जगह जगह साई भक्तों द्वारा पालकी पूजन करते हुए पुनः पालकी मंदिर परिसर में आई। तत्पश्चात महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें यजमान विराज गिरधारी लाल अरोड़ा सहपरिवार उपस्थित रहकर आरती का पुण्य लाभ प्राप्त किया। महाआरती के उपरांत प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में ट्रस्ट के अध्यक्ष गिरीश व्यास, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम सारडा, सचिव अनिल वंजारी, गजानन अंतुरकर, मनोज पटेल, मिलिंद सोनक, मनीष अग्रवाल, मालती भगत, आदित्य नौकरकर, हिमांशु नौकरकर, अनिकेत वंजारी, अखिलेश नौकरकर, खुशहाल चौथानी, सुरेश नौकरकर, प्रज्वल नौकरकर, सुलभा वंजारी, कविता मालू, सुनीता पटेल, सुनंदा नौकरकर, तारा कैकाड़े, गीता भाटनगर, सुनंदा भगत, गीता नौकरकर, शुभांगी तेलकुंटे, अंकिता इंगोले आदि साई भक्त उपस्थित थे। एलआईटी का परिसर राष्ट्रीय राजमार्ग से लगकर है और आज क्षेत्र में हरित पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत के तौर पर एवं महावृक्षारोपण आंदोलन के अंतर्गत 1000 पेड़ लगाए जाने हैं। इस आशय के विचार व्यक्त करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वास व्यक्त किया है कि इन ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाले पेड़ों के कारण एलआईटी परिसर जल्द ही एक ऑक्सीजन पार्क बन जाएगा। एलआईटी, इलुमिनी एसोसिएशन, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, टीएडएनटी इंफ्रा लिमिटेड, भारत विकास परिषद और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नागपुर की संयुक्त पहल से हरित पर्यावरण आंदोलन के तौर पर वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर शुरू किए गए इस आंदोलन का उद्घाटन नागपुर के एलआईटी परिसर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस आंदोलन के तहत एलआईटी क्षेत्र में 1000 पेड़ लगाए जाएंगे और पूरे भारत में 100 स्थानों पर 1,00,000 पेड़ लगाए जाएंगे। इस अवसर पर अशोक कुमार जैन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सलाहकार राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी आदि जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी गण एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित थे। नागपुर के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से भारी तबाही होने से जनजीवन बेहाल है। वन बंधु परिषद महिला समिति नागपुर ने विदर्भ संभाग के अल्लापल्ली अचल में ग्रामवासियों की विपरीत स्थिति को देखते हुए अनाज और घरेलू उपयोग में आने वाली चीजों के 100 किट्स भेजे हैं। समिति अध्यक्ष मणि गोयनका एवं सचिव सीमा अग्रवाल के नेतृत्व में यह नेक कार्य सम्पन्न हुआ। शहर के गणमान्य व्यक्ति इस नेक पहल की सराहना कर रहे हैं। नागपुर में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। रविवार को 262 लोग संक्रमित पाए गए हैं। हिंगना रोड के जैताला परिसर के राय इंग्लिश स्कूल के 48 छात्रों के कोरोना की चपेट में आने की सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। नागपुर महानगर पालिका के अपर आयुक्त राम जोशी ने इस स्कूल के छात्र संक्रमित होने के बारे में विस्तृत जानकारी दी। शुक्रवार 15 जुलाई को
स्कूली बच्चों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया। स्वैब नमूने शनिवार को प्रयोगशाला भेजे गए। जोशी ने बताया कि रविवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जोशी ने बताया कि माता पिता या स्कूल निदेशक द्वारा अनुरोध या मांग किए जाने पर नमूने लिए जाएंगे। राय इंग्लिश स्कूल के निदेशक डॉक्टर एमएम राय ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए स्कूल बंद रखा जाएगा। स्कूल के तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं की रिपोर्ट निगेटिव आई है। हम सभी बच्चों के माता पिता से बच्चों का आरटीपीसीआर कराने को कहेंगे। उनकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही हम उन्हें स्कूल में प्रवेश देंगे। इस आशय के विचार स्कूल के निदेशक ने व्यक्त किए। शहर की सड़कों पर गड्ढे होना और आवारा जानवरों का घूमना नागरिकों के लिए कोई असामान्य बात नहीं है। हर साल पहले कुछ दिन भारी बारिश होने के बाद सड़क निर्माण कार्य और मरम्मत कार्यों की खराब गुणवत्ता उजागर होती है। जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नवनिर्मित सड़क को गड्ढों से मुक्त नहीं माना जा सकता है। टार रोड भी ठीक से नहीं बनाए गए हैं। इन सड़कों पर वाहन आसानी से फिसल जाते हैं। यहाँ तक कि जिन सीमेंट सड़कों के कम से कम 25 साल तक चलने का दावा किया जा रहा है, उनमें भी सिर्फ 2 साल बाद दरारें नजर आने लगी है। नागपुर महानगर पालिका का दावा है कि सड़कों पर बने गड्ढों की तुरंत मरम्मत की जाती है। मरम्मत कार्य की गुणवत्ता का अंदाजा कुछ ही दिनों में लगाया जा सकता है। कई मामलों में सड़कों का एक बड़ा हिस्सा एक ही स्थान पर टूटकर बिखर गया। हालांकि सामने आई समस्याओं की ओर ध्यान दिए बिना सीमेंट सड़कों को बनाने का कार्य जारी है। आवारा जानवरों को सड़क या चौक के ठीक बीच में देखा जा सकता है, जो राहगीरों के लिए परेशानी का सबब है। श्री आदिनाथ दिगंबर सतवाल जैन मंदिर ट्रस्ट अम्बानगर की कार्यकारिणी शुक्रवार को घोषित की गई। साथ में नए सभासदों का पंजीकरण कर मंदिर के अध्यक्ष किशोर मेंढे के हाथों नए सभासदों का स्वागत किया गया। इस कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष किशोर मेंढे, उपाध्यक्ष महावीर कापसे, सचिन पद्माकर बुलबुले, कोषाध्यक्ष धनंजय महात्मे और कार्यकारिणी सदस्य सौरभ उदापुरकर, विकास संगई, गौरव शाहकर, वैभव पलसापुरे, नीलेश घ्यार, प्रवीण कापसे, वीरेंद्र गगने मिलकर 11 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति घोषित की गई। इस कार्यकारिणी समिति को समाज के प्रमुख पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की शुरुआत महामंत्र से की गई। कार्यक्रम का संचालन गौरव शाहकर ने किया और कार्यक्रम का प्रास्ताविक भाषण अध्यक्ष किशोर मेंढे ने दिया। मंदिर के कार्यों की चर्चा कर सभासदों को आने वाले दिनों में मंदिर में होने वाले पंचकल्याण महोत्सव की रूपरेखा की विस्तृत तरीके से चर्चा करने की सलाह वरिष्ठों द्वारा दी गई। मंदिर में लगातार धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और वैद्यकीय उपक्रम करवाने हेतु चर्चा की गई। मंदिर का कार्य समाज का कार्य है। इसमें सभी जैन बंधुओं को एकत्रित होकर कार्य करने से होने वाले कार्यों में भव्यता निर्माण होती है। इस आशय के विचार ट्रस्ट के अध्यक्ष किशोर मेंढे ने सभा में व्यक्त किए। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।